ये महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास बुंदेलखंड में रहते रहे, कालपी क्षेत्र में ये धसान नदी के किनारे उनका बना था। उन्होंने बहुत समय ये देखिए चट्टानों का विन्यास, कमाल है, कमाल देखिए कैसे सब ये रखी है के ऊपर एक, ये देखिए चट्टानों को किस तरीके से कायदे से अलाइन है, सजाई गई है, क्लोसेस है, आँखों की बीमारियां हैं, पथरी है, स्किन डिसीज है, श्वास रोग है, ये सारे हो जाते हैं। तो मतलब हम लोगों को मौत गिफ्ट में दे रहे हैं, लेकिन सरकारों को चूंकि जो भोपाल दिल्ली लखनऊ बहुत दूर है, वो लोग बैठे हैं उनको यहाँ की हकीकत से मतलब नहीं है, चूँकि रेवेन्यू मिल रहा ना, इसलिए इस समय तो पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। अभी आपने देखा बक्सवाहा जंगल का मामला आया था, वहाँ पर हीरे का सबसे बड़ा भंडार निकल आया, सरकार ने उसे दे दिया, 2.5 लाख पेड़ काटने का ऑर्डर भी हो गया होंगी, क्योंकि आप अमेरिका को देखिए, वहाँ पर 35 करोड़ आबादी है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वहाँ 50 राज्य हैं। जापान इतनी जल्दी डेवलप कैसे किया, और उससे शक्ति भी बढ़ती है। यहाँ जो हमने देखा है कि बरेदी लोगों को कि वो बकरी का या गाय का दूध निकालते हैं किसी गिलास में, और उसके बाद इसको तोड़ के थोड़ा सा उसमें डाल देते हैं, तो 5 मिनट में दूध जम जाता है, दही सा हो जाएगा। दूधी को डालने से दूधी उसमें दूध निकलता है असल, इसलिए उसको दूधी कहते हैं लोकल भाषा में। अच्छा, तो ये जो है उसमें डालेंगे तो जम जाएगा, फिर वो उसको पी जाते हैं। बार होता है छोटी क्लास होती है, मतलब कम स्टूडेंट वाली, कोई भी टीचर चाहे जितना अच्छा हो, यदि वो उसकी क्लास में 200 बच्चे बैठे हैं तो वो सबके होमवर्क चेक कर पाएगा क्या? आज की जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो बहुत ही ख़ास है। ये 22 साल पत्रकारिता के क्षेत्र में बिता के आए हैं, प्राकृतिक प्रेमी हैं, जंतु प्रेमी हैं, समाज सेवी हैं, और लगातार बुंदेलखंड की मांग उठाने वाले हैं। 22 बार प्रधानमंत्री को अपने खून से खत लिख चुके हैं और आज 23वीं बार लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि ये लगातार जो बात उठा रहे हैं वो बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के, तो सबसे पहले हम इनसे जानते हैं बुंदेलखंड का इतिहास, उसके बाद इनके संघर्षों पर, इनकी ज़िंदगी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पाटकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हमें आप अपने जो बुंदेलखंड का इतिहास है, वो इतिहास हमें और जो युवा हैं व्यूवर्स देख रहे हैं, क्योंकि ये इतिहास हमारे बुंदेलखंड के क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो वो पहले स्पष्ट करिएगा। देखिए, बुंदेलखंड की बात जहाँ तक है, इसका नाम ये तो बहुत पुराना है, इसका इतिहास आप अगर आप देखें तो ये सतयुग के ज़माने से है। अगर जैसे होलिका दहन सबसे पहले हमारे यहाँ बुंदेलखंड में हुआ, होलिका दहन की जो घटना है वो एरच में हुई, और उस समय हिरण्यकश्यप का ये क्षेत्र था, और उसमें एरिकच्छ नाम था इस क्षेत्र का, ठीक है। तो उस समय ये राज्य बहुत बड़ा था, और वो सतयुग की बात है, तब हिरण्यकश्यप यहाँ के राजा होते थे। उसके बाद वो जैसे होली पूरे देश में चलती है, वो मनाई जाती है, तो उसकी शुरुआत बुंदेलखंड से हुई। ये एक बहुत पुरानी चीज़ है जो महत्वपूर्ण है, लोग नहीं जानते। उसके बाद हम अगर महाभारत काल की बात करें, तो महाभारत काल में ये राजा शिशुपाल यहाँ के राजा थे, जिनको श्री कृष्ण जी ने मारा था, 100 बार उन्होंने गालियाँ दी, वो उनके भाई भी थे। तो राजा शिशुपाल यहाँ के राजा थे, और इसका नाम था चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद बुंदेलखंड का नाम था, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे चंदेल डायनेस्टी जब आई, वो तो उस समय एक बार इसका नाम जयजाग भुक्ति नाम था, ठीक है, जयजाग भुक्ति रखा था। यहाँ के राजा लोग थे, जय और शक्ति दो थे वो राजकुमार, उनके नाम से जयजाग भुक्ति बना था, तो जयजाग भुक्ति नाम था। फिर ये जो बुंदेलखंड बना है, ये महाराजा छत्रसाल जब आए 18 सेंचुरी में, उस समय इसका नाम बुंदेलखंड बना। उन्होंने बुंदेलखंड का विस्तार बहुत लंबा किया, उसको कहते हैं इत यमुना उत टॉस, मतलब टॉस नदी तक है और यमुना है, तो और नर्मदा चंबल, मतलब नर्मदा नदी जहाँ तक थी वहाँ तक था,
और ये अपना क्षेत्र अशोक नगर तक था। अशोक नगर बहुत दूर भोपाल के पहले है, वहाँ तक था। ये ग्वालियर, चंबल ग्वालियर के पास है, और ये इधर चित्रकूट, सब पूरा क्षेत्र हमारा था। बाकी जो बुंदेलखंड शब्द आया है, मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको कि बुंदेल शब्द जो आया है वो बिंधेल से बना है। यहाँ के जो हमारे राजा थे वो विंध्याचल देवी के भक्त थे, तो विंध्याचल देवी के भक्त होने की वजह से वो ये क्षेत्र विंध्याचल क्षेत्र था। तो वो देवी विंध्यवासिनी की उपासना करते थे, तो ये बुंदेलखंड कहलाया, विंध्य भूमि थी। बाद में वही बुंदेलखंड हो गया, वही बुंदेलखंड हो गया। ये इसका जो शाब्दिक और बिल्कुल भौगोलिक और प्रमाणिक यही है। फिर यहाँ के लोग बुंदेले कहलाए। तो ये बुंदेलखंड का अतीत बहुत गौरवशाली रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी विभूतियाँ रहीं। क्योंकि भगवान राम से शुरू करें आप, तो भगवान राम को जब वनवास हुआ तो उन्होंने नदी पार करके, तमसा नदी पार करके वो इस तरफ आए, तो वो उनको ये क्षेत्र बहुत ही सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने इसी को अपने क्षेत्र को वनवास के लिए चुना। तो वो 12 वर्ष वो बुंदेलखंड क्षेत्र में ही रहे। 11.5 साल उनका चित्रकूट माना जाता है, बाकी में वो भ्रमण करते रहे। तो जिस जगह हम लोग बैठे हैं यहाँ भी भगवान राम आया करते थे, और ये हमारा जो गोरखगिरी है ये उनको बहुत प्रिय था। क्योंकि ऊपर अगर आप जब जाएंगे तो सिद्ध बाबा का मंदिर है, यहाँ से 1 किलोमीटर चलने के बाद, तो वो जो सिद्ध बाबा का मंदिर है उसी के बगल में एक सीता रसोई भी बनी है, वहाँ सीता जी खाना बनाती थी। बिल्कुल, हम वहाँ चलेंगे पैदल, आपको भी दिखाएंगे। और पाटकर साहब अद्भुत हैं, और हमारे पीछे जो शिवतांडव मूर्ति वो भी अद्भुत है जी। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप इसके बारे में जो मुझे बता रहे थे इसके बारे में बताइए, उसके बाद हम चलते चलते आपसे। जी, अब इसके बारे में ये देखिए, राजा धंग हमारे थे, चंदेल वंश के राजा थे, 10वीं शताब्दी में उनका पीरियड था। उन्होंने इस एक ग्रेनाइट की बहुत बड़ी चट्टान थी उसमें इस मूर्ति को बनवाया। आप इसको देखें, ये 15 फीट ऊंची मूर्ति है और 14 फीट चौड़ाई है, इनकी 10 भुजाएं हैं। ऊपर जो राक्षस एक हाथी नुमा दिख रहा है, ये गजासुर राक्षस है, इसको मारा था उन्होंने। उसके बाद पार्वती जी बगल में, पार्वती जब ये हिमालय पहुँचे तो पार्वती जी ने पूछा, कुछ इनके खून वगैरह लगा था, पूछा कहाँ से क्या हुआ। तो उन्होंने प्रतांत कहा कि मैं आप जो है मैं नृत्य करके बताऊंगा, आप थाप दीजिए तो मैं नृत्य करके बताऊंगा। फिर उन्होंने तांडव नृत्य किया, तो वो थाप दे रही हैं और वो घटनाक्रम उन्होंने बताया। इसका जिक्र कूर्म पुराण एक है हमारा पुराणों में, उसमें पूरा वृतांत दिया हुआ है। तो हमारे जो चंदेल राजा धंग थे उन्होंने इस मूर्ति का निर्माण 10वीं शताब्दी में करवाया था एक विशाल चट्टान से, और ये मूर्ति 1100 वर्ष से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। अब यहाँ पर अभी तक इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया है कि इसमें, पहले यहाँ पर एक हमारे यहाँ फट्टी बाबा रहते थे, करीब आज से 30 साल पहले की बात है। तो उन्होंने यहाँ पे ये रास्ता वगैरह बनवाया था और थोड़ा चबूतरा बूतरा बना था, उसके बाद फिर ये काम आगे नहीं हो पाया। अब हम लोगों ने ये काम शुरू किया, हम लोग थोड़ा सा यहाँ के बारे में मामला उठा रहे हैं। बाकी हम लोग एक परिक्रमा भी करते हैं गोरखगिरी की, रेगुलर होती है, जैसे चित्रकूट की होती है कामतगिरी की, इसी तरह से गोरखगिरी की परिक्रमा होती है, जिसको करीब 11 वर्ष हो चुके हैं, और वो पूर्णिमा और अमावस्या को होती है। अभी अमावस्या आने वाली है दिवाली के दिन, उस दिन सुबह होगी, तो हम लोग पूरे पहाड़ का चक्कर लगाएंगे। इस पहाड़ के चारों ओर हजारों वर्ष पुराने ढेर सारे मंदिर हैं, कोई एक मंदिर नहीं। ये है बगल में, यहाँ पे काल भैरव है, वो भी बहुत पुराना मंदिर है। फिर इधर महावीरन है और बाल हनुमान है, फिर पीछे सकरी सन्या है, छोटी चंडिका है, काली देवी का मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है, और इस तरह से पूरा जो है बहुत ऐतिहासिक सब पुराना है। तो ये इसकी जो महिमा है वो कामतगिरी के बराबर है, उससे कम नहीं है। और इसका जो परिक्रमा मार्ग है ये कामतगिरी से थोड़ा सा ज़्यादा है, कामतगिरी से ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि वो 5 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, और उसमें अगर आप बिना रोके लगातार चलेंगे तो 45 मिनट में पूरी कर सकते हैं, और इसको पूरा करने में करीब 55 मिनट लगेंगे।
तो हम लोगों को लगभग इतना ही टाइम लगता है, परिक्रमा हम लोग करते हैं, तो ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। बिल्कुल, हम चलते हैं अब घूमते हुए पाटकर साहब से बातचीत करते हैं। और बुंदेलखंड की चूँकि हम बात कर रहे थे तो चलते हैं, चलते चलते बातचीत होती है और अब बात करते हैं बुंदेलखंड के विभाजन की। आपने बुंदेलखंड के इतिहास को बताया है, थोड़ा और बताइए ताकि व्यूअर्स थोड़ा और जान सके इस बारे। देखिए, बुंदेलखंड 35 रियासतों से मिलकर बना था। जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय ये पैक्ट हुआ, सर पुनर्गठन जब हुआ देश का, कि बुंदेलखंड राज्य बन रहेगा, इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो ये ख़त्म नहीं किया गया, बुंदेलखंड राज्य था। और ये 12 मार्च 1948 में विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। तो जब विंध्य प्रदेश बनाया गया तो उस समय ये हुआ कि बघेलखंड को मिला के, जो रीवा का क्षेत्र है, इसको विंध्य प्रदेश बना दिया। दोनों के अलग अलग मुख्यमंत्री होते थे, गवर्नर होते थे, सब होता था। ये प्रक्रिया चलती रही 1956 तक, लेकिन दोनों में कुछ विवाद भी बना रहता था। लेकिन यहाँ एक बार एक घटना घट गई थी, उसका खामियाजा बुंदेलखंड को भुगतना पड़ा, ये यहाँ के लोग मानते हैं। कि नेहरू जी एक बार आए थे, जब देश आज़ाद हुआ उसके कुछ समय पहले ही, तो चरखारी गए थे वो। अच्छा। चरखारी में उनकी गाड़ी का झंडा उतरवा दिया वहाँ, चूँकि चरखारी स्टेट थी। अच्छा। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने उनका झंडा उतरवा दिया, तो उसको लेके थोड़ा तू-तू में विवाद हुआ। फिर बाद में मारपीट भी हो गई। अच्छा। तो वो काफ़ी विवादास्पद घटना घटी। नेहरू जी यहाँ काफ़ी अपमानित महसूस किए कि मेरा अपमान हो गया। तो लोगों का ये मानना है कि नेहरू जी ने इस वजह से बुंदेलखंड को मिटा दिया, क्योंकि वो उनको एक यहाँ के लोगों के प्रति एक आक्रोश था, क्रोध था। अच्छा। तो 1956 में ये भुगतना पड़ा। जबकि आपको बता दें कि राज्य पुनर्गठन आयोग पहला जो बना था, उसने अपनी रिपोर्ट जो दी थी उसमें बुंदेलखंड राज्य को बनाए रखने की सिफारिश भी की थी, लेकिन उसको नहीं माना गया और बुंदेलखंड को ख़त्म कर दिया गया। तो ये उसका इतिहास है असली विभाजन का, कि बुंदेलखंड को ख़त्म करने का। क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, उसी समय बुंदेलखंड के टुकड़े करके उसे कुछ हिस्सा यूपी में, बाकी एमपी में कर दिया गया। बिल्कुल। तो तब से ये दो राज्यों के बीच में पिस रहा है। इसकी भाषा, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासतें, जो भी सब चीज़ें हैं, वो बिल्कुल घोर उपेक्षा हुई। किसी सरकार ने कभी यहाँ ध्यान नहीं दिया और ये पिछड़ता चला गया। ये कहानी है। बिल्कुल। अब पाटकर साहब बात करते हैं, अभी हम इतिहास जान रहे थे बुंदेलखंड का। अब आखिर केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, यूपी में भी सरकार भाजपा की है, एमपी में भी सरकार भाजपा की है, तो बात अटक कहाँ रही है? बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की जी। तो क्यों, आखिर मनसा क्या है इन लोगों की? देखिए, मेन मनसा ये है कि कोई भी अपना कमाऊपूत नहीं खोना चाहता। बुंदेलखंड कमाऊपूत है, एमपी गवर्नमेंट के लिए भी, यूपी गवर्नमेंट के लिए भी। अगर ये दे देंगे तो इनका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, तो रेवेन्यू कोई नहीं खोना चाहता। हर सरकार इस समय ये तलाश में लगी है कहाँ से पैसा आए, तो फिर खोने की बात स्वीकार नहीं है किसी को। इसके पूर्व में उदाहरण भी है। बिल्कुल। मुझे लगता है आप थक चुके, तो यहाँ हम लोग तसल्ली से बैठते हैं, क्योंकि चढ़ाई मुझे लगता है थोड़ा और भी होगी। तो थोड़ा देर बैठ के पहले आप निहारिएगा, जो व्यूअर्स हैं, देखिए जो खूबसूरती यहाँ चारों तरफ की है उसे निहार लीजिए, उसके बाद पाटकर साहब से हम बातचीत करते हैं और देखिए कितनी खूबसूरत जगह है ये। तो इसके बारे में, जगह के बारे में कुछ बताएंगे, यहाँ कुछ खास है या यहाँ भी कुछ आसपास मंदिर हो? ये देखिए, हम लोग जो जा रहे हैं वो तो सिद्ध बाबा जा रहे हैं इस समय, और ये जो जगह है, ये जो आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये सब औषधीय पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियाँ हैं। अच्छा। बुंदेलखंड औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है, क्योंकि प्रकृति ने तो इसको बहुत रिच बना रखा है। यहाँ इस गोरखगिरी में जो भी आप देख रहे हैं, ये जैसे ये लट जीरा लगा है, ये लट जीरा कहलाता है। अच्छा। और वो लगी है दुधी, जिसमें आपको हरी बे वो जो बाली लटक रही है। अच्छा। लट जीरा की दातून की जाती है, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। अच्छा। बाकी वो जो है दुधी जो लगी है, वो भी बहुत औषधीय पौधा है, वो पेट के लिए बहुत काम आता है। ठीक है। और उससे शक्ति भी बढ़ती है,
यहाँ जो हमने देखा है कि बरेदी लोगों को कि वो बकरी का या गाय का दूध निकालते हैं अच्छा। किसी गिलास में और उसके बाद इसको तोड़ के थोड़ा सा उसमें डाल देते हैं अच्छा। और तो 5 मिनट में दूध जम जाता है, दही सा हो जाएगा। दूधी को डालने से दूधी उसमें दूध निकलता है असल, तो इसीलिए उसको दूधी कहते हैं लोकल भाषा में। अच्छा, तो ये जो है उसमें डालेंगे तो जम जाएगा, फिर वो उसको पी जाते हैं। हमने देखा करते हुए क्या कर रहे हो, बोले इससे ये बहुत ताकत आती है। अच्छा, ताकतवर होता है। हाँ, तो ये और बाकी वो और भी तमाम औषधियों में काम आता है। तो ये इस तरह से यहाँ पे संजीवनी तक हमारे यहाँ लगी है। यहाँ पर गुड़मार डायबिटीज़ की दवा है बहुत अच्छी, जो जो लोग जानते हैं उनको हम लोग बता देते हैं। डायबिटीज़ वाले आते हैं, वो दवा लेके जाते हैं, पत्ती दे, 2 पत्ती खाली पेट सवेरे खानी पड़ती है, उससे उनको डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है और ठीक भी हो जाती है, कई लोगों की ठीक भी हो चुकी है। जैसे हमारे एक साथी हैं हरिशरण विश्वकर्मा, हरिशरण सक्सेना एक वकील साहब हैं, उनकी डायबिटीज़ ठीक हो गई इसी से, तो अब वो नहीं आते। तो ये एक है रतन ज्योति यहाँ पर है, जिससे नेत्र ज्योति मजबूत होती है। लेकिन है क्या कि इन जड़ी बूटियों के बारे में अभी बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है। हमने इसके लिए भी कई बार प्रयास किया, NBRI लखनऊ नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से साइंटिस्ट बुलवाने की कोशिश की गई, सर्वे हुआ एक बार 80s में हुआ था, तब यहाँ पर उन्होंने आइडेंटिफाई करी थी करीब 146 जड़ी बूटियों के प्रकार। अच्छा। और फिर उसकी लिस्टिंग हुई। अब उसके बाद हम दोबारा, तब से नहीं हुआ कभी। अभी हमने पिछले जो हमारे DM थे सत्येंद्र कुमार जी, उनसे भी कहा था कि आप प्रयास करिए, शायद वहाँ से टीम आ जाए। फिर टीम अभी आई थी और उन्होंने यहाँ से तमाम जड़ी बूटियाँ लेके गए हैं वो, और वो रिसर्च करेंगे। संजीवनी भी यहाँ है, संजीवनी यहाँ है जो लक्ष्मण जी को दी गई थी, हिमालय पर्वत से लेकर आए थे लक्ष्मण हनुमान जी, वो भी हमारे यहाँ पे शोधकार हुए हैं पाटकर साहब। उस पर शोधकार संजीवनी, एक्चुअली शोध ऐसा है कि संजीवनी यहाँ लगी है, वो जो साइंटिस्ट आए थे उनको भी हमने दिखाई। अच्छा। और उनसे उन्होंने उस चीज़ को माना, क्योंकि NBRI में उस पर रिसर्च हुई है, वहाँ पर डिस्प्ले तो भी अभी देख सकते हैं संजीवनी आपके साथ। संजीवनी हाँ, टाइम समय लग जाएगा थोड़ा, समय लग जाएगा, लेकिन हम दिखवा देंगे आपको, प्रयास करते। तो हमारे पाटकर साहब बैदवी हैं, जो हमें पता नहीं था, अभी आके पता चला है, उनके शोध भी व्यापक हैं। नहीं, ये तो है हकीकत यहाँ की। तो वो अभी टीम आई थी, चली गई है, फिर से हम एक इस, क्योंकि जो इसमें इसमें होगा काम, वो एक प्री मानसून होता है, एक पोस्ट मानसून, क्योंकि जो ये जड़ी बूटियाँ औषधि प्लांट हैं, इसमें सीजनल होते हैं, ये सारे 12 महीने नहीं रहते हैं, कुछ प्री मानसून में रहते हैं, कुछ पोस्ट मानसून में, तो वो भी देखना पड़ता है। तो इसलिए 2 बार इसमें रिसर्च होगा और वो कराना है, अभी वो प्रपोज्ड है, आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए चलते हैं, आप ये संघर्ष करते रहिए। बात कर रहे थे हम लोग रिसोर्सेज की, कि आपने कहा कमाऊ पूत कोई नहीं खोना चाहता है, लेकिन इसमें पिस रहा है हमारा बुंदेलखंड, हमारे बुंदेलखंड के लोग। तो आपको क्या लगता है, हमारा बुंदेलखंड किन किन बीमारियों से अभी ग्रसित है और कैसे बीमारियों का? बुंदेलखंड देश का हृदय स्थल है, हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान का दिल बीमार है। जब दिल बीमार है तो हिंदुस्तान कैसे महापावर बनेगा, सुपर शक्ति, सुपर पावर कैसे बन पाएगा? तो ये बुंदेलखंड की चूँकि उपेक्षा अगर सरकार करती रही तो वो देश भी कभी आगे नहीं जा पाएगा। तो बुंदेलखंड हृदय स्थल है और इसको बीमारियां वही पिछड़ापन, उपेक्षा, अभाव, ये चीज़ें हैं, और इस वजह से यहाँ पर पलायन ज़्यादा है। आप देख रहे हैं देश में परसेंटेज जो पलायन का सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड से है, 39% रिकॉर्डेड है ये सरकारों ने जो अपने आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक 39% पलायन है बुंदेलखंड से। वजह क्या है कि यहाँ पर अब सरकार को खनन दिख रहा है, बुंदेलखंड को खनन हब बनाने में लगी हुई हैं सरकारें, क्योंकि हमारे यहाँ तो हीरे जवाहरात जो फैले हुए हैं, ये बिल्कुल पत्थर हमारे, बालू गिट्टी, ये हमारे हीरे जवाहरात हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, सब लूट के लिए जा रहे हैं, सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है। तो सरकार को इस यहाँ की, जबकि ये पर्यटन के मामले में भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत यहाँ के नदी पहाड़ और ऐतिहासिक धरोहरें बहुत ज़्यादा हैं, अगर इसको डेवलप कर दिया जाए तो ये राजस्थान से अच्छा हो सकता है। यहाँ पानी की भी कमी नहीं है, नदियाँ इतनी हमारे यहाँ हैं, 7 नदियाँ हैं मेजर बड़ी नदियाँ, बिल्कुल पंजाब में तो 5 नदियाँ हैं, यहाँ 7 हैं, उनने 5 नदियों से जो है
बिल्कुल सोना उपजा लिया, लेकिन हमारे यहाँ 7 नदियाँ हैं, उसके बाद भी किसान जो है पानी के लिए तरस रहा है। बिल्कुल, बुंदेलखंड का जब नाम आता है लोगों की जुबान पर तो सूखे को लेकर, पानी की कमी को लेकर आता है, क्योंकि हमारे यहाँ नदियों का भी भंडार है। बिल्कुल, हर एक चीज़ का भंडार है, फिर भी हम उस चीज़ को, लेकिन वो मिसमैनेज है ना, मिसमैनेज है, मैनेजमेंट कायदे से नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, सरकारों ने किया ही नहीं, कितनी नदियाँ विलुप्त हो गई क्योंकि वो उसमें मिट्टी भर गई, कूड़ा भर गया और वो धीरे धीरे सूख गई। तमाम चीज़ें हुई क्योंकि मेंटेनेंस भी तो कोई चीज़ है, किसी चीज़ को अगर आपको आगे बढ़ाना है, जैसे हमारा शरीर ही है, अगर हम नहाएंगे धोएंगे नहीं, उसका प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे, फूडिंग नहीं करेंगे, तो ये भी बेकार हो जाएगा, बेकार हो, रोगग्रस्त हो जाएगा। इसी तरह से ये यहाँ पे ही हो गया। अब वो तो ठीक किया नहीं, नदियों को ठीक किया नहीं, बस उससे बालू और निकालनी चालू कर दी, उसका दोहन और चालू कर दिया, अंधाधुंध चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी उस पर रोक लगा चुका है कई बार, उसके बावजूद चल रहा है, कहीं रोक नहीं पा रहा है वो। बिल्कुल, क्योंकि रेवेन्यू उतना मिल रहा है ना, सरकार हर साल अपने रेवेन्यू का टारगेट बढ़ाती है, घटा नहीं रही, बढ़ा रही। कि इस बार उन्होंने कहा एक साल में 5 अरब का अभी रेवेन्यू चाहिए, अगले साल 5.5 अरब कर देंगे। बिल्कुल, तो ये खनन हब बनाने की कोशिश है जिससे बुंदेलखंड बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जगह जगह प्लांट क्रेशर लग रहे हैं। जहाँ भी क्रेशर लगता है उसके आसपास की 0.5 किलोमीटर की जो एरिया है, हाँ, वो समझ लीजिए खेती बंजर हो जाती है, क्योंकि डस्ट उड़ती है वहाँ पे, पूरे क्षेत्र के लोग बीमार हो जाते हैं। कवरई क्षेत्र इसका उदाहरण है, देखिए ट्यूबरक्लोसिस के केसेस बहुत निकलते हैं यहाँ। ट्यूबरक्लोसिस है, आँखों की बीमारियाँ हैं, पथरी है, स्किन डिसीज है, श्वास रोग है, ये सारे हो जाते हैं। तो मतलब हम लोगों को मौत गिफ्ट में दे रहे हैं, लेकिन सरकारों को, चूँकि जो भोपाल, दिल्ली, लखनऊ बहुत दूर है, वो लोग बैठे हैं, उनको यहाँ की हकीकत से मतलब नहीं है। चूँकि रेवेन्यू मिल रहा ना, इसलिए इस समय तो पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। अभी आपने देखा बक्सवाहा जंगल, हाँ, का मामला आया था, वहाँ पर हीरे का सबसे बड़ा भंडार निकल आया, सरकार ने उसे दे दिया, 2.5 लाख पेड़ काटने का ऑर्डर भी हो गया कि खनन के लिए काट दो जंगल को। बाद में अब कोर्ट ने रोक लगाई है, हम लोगों ने उसके लिए भी बड़ी लड़ाई लड़ी। अब ये कैन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, ये भी बड़ा विवादास्पद है, क्योंकि इसमें पिछले 20 साल से दोनों सरकारें क्यों सहमत नहीं हो पाई थी। अटल जी की योजना थी ये, अटल जी ने इसकी कहा कि जोड़ना चाहिए, लेकिन जब ग्राउंड पे काम किया गया तो उसमें पन्ना टाइगर रिजर्व जो हमारा है उसके 23 लाख पेड़ कटने हैं, उसमें से 1/3 पन्ना टाइगर रिजर्व चला जाएगा उसमें। तो ऐसी योजनाएं क्यों आप ला रहे हो भाई? हमारी जो नदियां हैं उनको कनेक्ट करने के और भी तो उपाय हो सकते हैं, क्या उसके लिए जंगल काटना ज़रूरी है? अभी फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, सरकार नहीं सुनेगी, क्योंकि पर्यावरण को लेकर सरकार का कोई एजेंडा सही नहीं है। सरकार तो कहती है हम तो पेड़ लगा रहे हैं, अब जैसे महोबा में ही पिछले वर्ष 54 लाख पेड़ लगे, इसी साल लगाए गए 54 लाख पेड़, कहाँ लगे क्या हुआ कुछ पता नहीं। तो इसी तरह कागजों में दिखा दिया है और हाँ, पेड़ों का कुछ पता नहीं रहता है वो, क्योंकि दिखा देंगे कि अन्ना जानवर चर गए, उसको ये हो गया वो हो गया। पाटकर साहब, ये जगह भी बहुत खूबसूरत है, पहले तो इस जगह का वर्णन करिए, उसके बाद देखिए। ये आनंद आश्रम है, ये आनंद आश्रम कहलाता है। जब हम लोग ऊपर आते हैं तो पहले यहाँ पर एक स्टॉपेज लेते हैं। अच्छा, और ये हमारा एक राज सिंहासन है, इधर ये राजसिंहासन है। राज सिंहासन है। अच्छा। जो सुबेरे सबसे पहले इस पे बैठता है वो उस दिन का राजा घोषित होता है। कमाल है। अच्छा, जो यहाँ पर बैठता है अभिषेक, बैठो सुबह सबसे पहले, अभिषेक बैठो, वो यहाँ का राजा घोषित होता है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से आप यहाँ काम कर रहे हैं, आप ही यहाँ के राजा, तो आप ही यहाँ विराजी है, और फिर आपसे बातें और सारी जो है होती है। सिंहासन हमारा राज सिंहासन। अच्छा, ये राज सिंहासन है, यहाँ बैठ के जो है हम लोग, जो बैठता है वो राजा होता है उस दिन का, वो राजा हो। बिल्कुल, तो उसको घोषित कर दिया जाता है। बिल्कुल, तो आप यहाँ के राजा हैं। अगर बुंदेलखंड आपकी संघर्ष से अलग होता है तो आपको क्या लगता है इसकी क्या क्या खामियां होंगी और क्या क्या अच्छाइयां होंगी? डिलिमिटेशन, देखिए खामियां तो बहुत कम हैं और खूबियां ही ज़्यादा होंगी, क्योंकि आप अमेरिका को देखिए, वहाँ पर 35 करोड़ आबादी है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वहाँ 50 राज्य हैं। जापान इतनी जल्दी डेवलप कैसे किया आज़ादी के वक्त, कि हम कह रहे 1917 के आसपास, वहाँ पर 1907-8 में
वहाँ पर वो बम बरसा हुई थी और उसके बाद वहाँ पर बहुत हालत ख़राब हो गई थी। हिरोशिमा नागासाकी में जब बमबारी हुई, लेकिन जापान ने बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस क्यों किया, क्योंकि वहाँ पर 12 करोड़ आबादी है, वहाँ भी 45 राज्य हैं, आपको पता होगा। तो वो 45 राज्य हैं, क्योंकि अगर आपको भ्रष्टाचार दूर करना है, आपको मैनेजमेंट तो उसके लिए सुधारना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन सही करना पड़ेगा, प्रॉपर निगरानी होनी चाहिए, योजनाओं पे अमल सही ढंग से होना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब छोटा राज्य होगा, जैसे छोटा परिवार होता है, छोटी क्लास होती है, मतलब कम स्टूडेंट वाली, कोई भी टीचर चाहे जितना अच्छा हो, यदि वो उसकी क्लास में 200 बच्चे बैठे हैं तो वो सबके होमवर्क चेक कर पाएगा क्या? और वो जो पढ़ा रहा है वो बच्चे भी जब उनसे सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे और सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, वो नहीं देख पाएगा। अगर उस क्लास में 35 बच्चे होंगे तो वो उनको ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ा पाएगा, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। इसी तरह अगर बुंदेलखंड बनता है तो छोटा स्टेट होगा और यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर होगा उसे सब चीज़ों के बारे में पता होगा और वो सब चीज़ें देख सकता है, सरकार प्रॉपर विजिलेंस कर सकती है और एडमिनिस्ट्रेशन पे कमांड हो सकता है। चूँकि बड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, इसलिए ऊपर से तो घोषणाएं बहुत हो रही हैं पर नीचे नहीं पहुंच पा रही हैं। तो कारण ये है, उस समय होगा, जो भी छोटे राज्य बने हैं देश में सबकी विकास गति तेज़ी पकड़ी है और सब ने गति विकास काफ़ी किया है। उत्तराखंड पहले कितना पलायन था वहाँ पर, वहाँ से सारे आदमी इधर भागते थे। आज उत्तराखंड की पोजीशन ये है कि अभी 2-3 साल पहले की घटना मैं बता रहा हूँ आपको कि पर कैपिटा इनकम देश में सबसे ज़्यादा उत्तराखंड की हो गई थी। तो वो उसने प्रोग्रेस करी, अब कोई पलायन नहीं हो रहा है क्योंकि वहीं पे सबको काम मिल रहा है, वहीं के क्षेत्र के बच्चों को रोज़गार मिलता है, जो भी वैकेंसी निकलेंगी चपरासी से लेकर SDM तक सारी वहीं के लोगों को मिलेंगी, क्योंकि डोमिसाइल चाहिए, बाहर के लोग नहीं आएंगे। अभी क्या है, यहाँ एजुकेशन बहुत पुअर है, हमारे बच्चे अच्छे कंपटीशन निकाल नहीं पाते। फिर क्या होगा कि सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। हमने एम्स की लड़ाई लड़ी बहुत लंबी, बुंदेलखंड को नहीं मिल पाया। सबसे पहले एम्स की मांग बुंदेलखंड में हुई थी, मायावती सरकार के समय हुई थी, मायावती ने खुद कहा था, लेकिन 2010-11 से बाद अभी 10 साल से ज़्यादा हो चुके, जाने कितने एम्स की घोषणा हो गई, दर्जनों मोदी जी ने कर दी, लेकिन सबसे बड़ा आंदोलन हमारे यहाँ हुआ, हमने किया, हम नंगे पैर चलते हैं, 6 साल हो गए, 6 साल से चप्पल नहीं पहने आप, नंगे पैर चलते हैं। इसीलिए हमने संकल्प ले रखा था कि हम जो है जब तक यहाँ पर बुंदेलखंड में एम्स नहीं बनेगा हमारे महोबा क्षेत्र में, तब तक हम नंगे पैर ही चलेंगे, और अभी तक ऐलान नहीं हो पाया। तो और हमने लाखों खत प्रधानमंत्री को भेजे, इसके अलावा हम लोगों ने खून से खत लिखना, यहाँ की बहनों ने राखियाँ भेजी, बार बार हर बार भेजती थी कि बहनों को बचाओ, उनकी लाज रखो, लेकिन नहीं कुछ हो पाया। अब ये है कि चल रहा है, जब सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सीरियस नहीं रही तो बाकी चीज़ों की क्या बात करें, बाकी डेवलपमेंट तो फिर और सब भगवान भरोसे है। तो इसलिए हमने सोचा कि अब जब बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो हर स्टेट को एक एम्स मिलना है, अपने आप मिल जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज भी बने उन पर भी ध्यान नहीं दिया गया, वो सब ऐसे ही हैं, सबकी हालत ख़राब है, कोई अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है। वजह क्या है कि कहीं फैकल्टी नहीं, कहीं कुछ नहीं, MBBS की पढ़ाई उनको बने 10-10 साल हो गए मेडिकल कॉलेज को, MBBS की पढ़ाई वहाँ चालू अभी हो पाई पिछले साल, जब हम लोग इतना हंगामा करते हैं तब। अब सरकारों ने वहाँ फैकल्टी इतनी करी क्योंकि MCI की परमिशन नहीं मिल रही थी, वो कैसे देंगे जब मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, अर्हताएं होनी चाहिए, वो होंगी तभी तो देंगे, वो थी ही नहीं। अब जाके चालू हो पाया है, इसका मतलब कैसे होगा काम? तो अगर हमारा स्टेट होगा तो सब चीज़ों पर ध्यान होगा, सब चीज़ों का विकास होगा। एजुकेशन के मामले में भी बहुत बुरा हाल है, बुंदेलखंड में कितनी यूनिवर्सिटी हैं बताइए आप, मुश्किल से 3-4 यूनिवर्सिटी अभी हो पाई हैं, वो भी प्राइवेट भी उसमें शामिल हैं। और आपको लखनऊ का बता दूं मैं, लखनऊ की आबादी 48 लाख आबादी है, लेकिन वहाँ पर जब मैं रहता था आज से 6 साल पहले तो वहाँ पर 12 यूनिवर्सिटी थी उस शहर में अकेले, और डिग्री कॉलेज का तो गिनती नहीं, सैकड़ों की तादाद में इतने डिग्री कॉलेज, और इंटर कॉलेज तो पूछिए ही मत, यहाँ एक लड़कियों के इंटर कॉलेज के लिए तरस रहे हैं, लड़कियों का इंटर कॉलेज अधूरा बना खड़ा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, उसके लिए थोड़ी बिल्डिंग बनी फिर पैसा बंद हो गया, फिर ये सब समस्याएँ हैं।
तो जब बेसिक चीज़ें ही आप नहीं दे पा रहे हो, नहीं कुछ हो पा रहा है, तो छोड़ दो भाई, हमें हमारी चीज़ दे दो, हम मैनेज कर लेंगे, हमको आपकी ज़रूरत नहीं है, हम क्यों भीख मांगे आपसे, हमारा अधिकार है, आप हमारा हमें दे दीजिए मैनेजमेंट, हम चला लेंगे, चला लेंगे। हमारा मतलब सिर्फ ये है कि हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, प्रकृति ने बहुत समृद्ध बनाया है बुंदेलखंड को, आप बुंदेलखंड की व्यवस्था हमको क्यों नहीं सौंपना चाहते, क्यों? क्योंकि आप माल ले रहे हैं, आपको तो रेवेन्यू मिल रहा ना, वो आप छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए, क्योंकि अब बात वही है, लोग डरे हुए हैं पुरानी घटनाओं से। बिहार जब विभाजन हुआ था, झारखंड बना था, तो बिहार में लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि झारखंड में ही सारे प्लांट्स लगे थे, तो कोयला भी वहीं होता था, तो बिहार में उनको उबरने में बहुत वक्त लगा। MP में यही हुआ, छत्तीसगढ़ जब बना तो छत्तीसगढ़ में भी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, वहाँ पे बिजली बनती थी, सब होता था, तो उसके बनने के बाद MP सरकार को भी बड़ा झटका लगा, तो इसलिए ये बुंदेलखंड नहीं बनाना चाहते, क्योंकि पुराने अनुभव ख़राब हैं। तेलंगाना भी जो बना है, उसकी भी यही समस्या थी कि आंध्र प्रदेश जो था, वो आंध्र प्रदेश का रेवेन्यू वाला या खनिज संपदा का जो सोर्स था, वो तेलंगाना क्षेत्र था, तो तेलंगाना के लोग वहाँ पर अभावग्रस्त थे और उसका लाभ बाहर जा रहा था। आज जितने पुल, जितनी बिल्डिंग्स, जो कुछ भी बन रहा है, सब बुंदेलखंड की गिट्टी बालू से बन रहा है, लेकिन बुंदेलखंड को क्या मिल रहा है, सवाल ये है। यहाँ के आदमी काम के चक्कर में बाहर भाग रहे हैं, तो ये सिचुएशन बहुत अनबैलेंस हो चुका है और इतना पिछड़ चुका है कि अगर सरकार सोचती है हम कुछ योजनाएं देंगे और बुंदेलखंड का भला हो जाएगा, उससे नहीं होने वाला, वो ऊँट के मुँह में जीरा है। पाटकर साहब, जब सिंहासन पे आप विराजमान हो चुके हैं, आज के राजा घोषित हो चुके हैं, तो अगर बुंदेलखंड राज बनता तो उसकी राजधानी भी घोषित करिएगा। देखिए, राजधानी है बुंदेलखंड की, उसमें अलग अलग बातें चलती हैं, जैसे बहुत से झांसी वाले झांसी चाहते हैं, सागर वाले सागर चाहते हैं, और हम ये सब नहीं कहना चाहते। अभी एक और भी खबर उड़ी थी कि प्रयागराज को बनाने की बात चल रही है, हम इन सब चीज़ों से पे बात नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि बुंदेलखंड की राजधानी पहले नौगांव थी, जब बुंदेलखंड को समाप्त किया गया, नौगांव फिर बना दीजिए, क्योंकि वो बीच में पड़ता है, और जो मिड खंड का वो महोबा और छतरपुर के बीच का एरिया आता है, आप इसको बना दीजिए, कहीं पे बना दीजिए, और या झांसी भी बना दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है राजधानी को लेके, इसलिए नहीं है कि उत्तराखंड में जैसे हुआ, उत्तराखंड की राजधानी जब देहरादून बनी, उसको लेके विवाद हुआ, क्योंकि देहरादून बिल्कुल उस पर नीचे पड़ता था पहाड़ के, पिथौरागढ़ के लोगों को, चमोली के लोगों को आने में दिक्कत होती थी, उन्होंने कहा राजधानी गलत हुई। फिर अभी उन्होंने एक शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी है, बीच में एक प्लेस था, मैं उसका नाम अभी मुझे याद नहीं, कि उसको बनाने की मांग थी, अब सरकार ने अब माना है, तो ठीक है, वो हो जाएगा, वो इंटरनल मैटर है, वो कोई बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन एरिया छोटा होना चाहिए। इसको लेके जितनी प्रशासनिक रिपोर्ट है, योजना आयोग की रिपोर्ट तक है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, पुलिस सुधार आयोग की रिपोर्ट है कि यहाँ क्राइम रेट जो है, जो UP में है, वो उसको कंट्रोल करने का उपाय ये है, क्योंकि क्राइम का पैटर्न अलग अलग है हर जगह, बुंदेलखंड में अलग है क्राइम का पैटर्न, और पश्चिमी यूपी में अलग है, पूर्वांचल में अलग है, तो वो जो पुलिस का वो है, वो लोकल हिसाब से पॉलिसी बनेगी ना, अभी जो भी पॉलिसी बन रही हैं वो हायर लेवल से बन रही हैं, ग्राउंड रियलिटी देख के पॉलिसी नहीं बन पा रही, तो वो कंट्रोल में तभी हो पाएगा। तो सारी रिपोर्ट भी इसी के पक्ष में है कि उत्तर प्रदेश को छोटा किया जाना चाहिए। योगी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग योगी जी के प्रशंसक हैं, मोदी जी के प्रशंसक हैं, हम लोग उनके आलोचक नहीं हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं, और लेकिन हम ये भी उनसे कहते हैं कि आप जो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हो, भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाना चाहते हो, वो तभी बन पाएगी जब हिंदुस्तान स्वस्थ होगा। हिंदुस्तान का दिल बीमार है, बुंदेलखंड बीमार है, इसकी सेहत को सुधारो, इसकी सेहत तभी सुधरेगी जब यहाँ डॉक्टर बैठा होगा। अभी दिल्ली बार बार इलाज कराने हम नहीं जा सकते, तो इसलिए यहाँ डॉक्टर को बैठाओ, तो वो डॉक्टर जब यहाँ बैठेगा तभी यहाँ का इलाज सही हो पाएगा, क्योंकि बीमारी गंभीर है, छोटी होती तो हो जाता, अब वो बहुत पुरानी बीमारी हो गई है, डॉक्टर को यहीं आना पड़ेगा,
और वो देना नहीं चाह रहे, वो कह रहे नहीं हम वहीं से ठीक करेंगे, बस इतना विवाद है और कोई विवाद नहीं है। चलिए अब चलते हैं, और योगी आदित्यनाथ जी का जिक्र आ ही गया है तो उनके गुरु जो आपने बताया है, हाँ गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ जी का जो स्थान शायद यहाँ पर है उस पर हम चलते हैं, और चलते चलते आपसे वार्ता भी लौटाएंगे तो होती जाएगी। बिल्कुल, आ चुकी, जैसा कि हमने पहले बताया है ब्लैक डे आप मनाने वाले हैं और 23वीं बार अपने खून से खत लिखने वाले हैं। चलिए इस स्थान की भी क्या कहानी है जहाँ हम जाने वाले हैं, आनंद आश्रम, ये देखिए इसमें कछुआ आपको दिखेगा, ओ इस पर थोड़ा व्यूअर्स नजर करें, बिल्कुल कछुए की तरह नजर आ रहा है, कछुए की तरह। इधर बीच में एक ये देख लीजिए, बाकी इधर एक गोरों की समाधि बनी है अंग्रेजों की, जो आजादी की लड़ाई भी यहाँ हुई है। अच्छा, ये 1857 में 5 अंग्रेजों को यहाँ मारा गया था, 5 अंग्रेजों को यहाँ समाधि बनी हुई है ऊपर, दिखा दो क्या आप, दिखा दें उधर, ठीक है। तो वो हाँ, तो वो एक समाधि बनी है, हुआ क्या था कि 1857 में ये, चूंकि हमारा बुंदेलखंड भी क्रांति का बड़ा क्षेत्र रहा है, तो उसमें यहाँ पर से या महोबा से अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया था, तो ये 5 अंग्रेज अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ की तरफ आए थे गोरखगिरी, तो यहाँ जो बरेदी रहते थे जानवर चराने वाले, उन्होंने उनको मार दिया था। मतलब आम आदमी में भी अंग्रेजों के खिलाफ कितना वो था, कि ये इस बात का प्रतीक है कि बरेदी लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ज्यादा कुछ नहीं पता, पर उनको गुलामी से मुक्ति चाहिए थी। तो हमारा बुंदेलखंड हमेशा इस मामले में सजग रहा है, और आपको ये भी बुंदेलखंड में जो 1857 की क्रांति के 15 साल पहले सबसे पहले म्यूटिनी बुंदेलखंड में हुई थी, बांदा जिले में हुई थी, वहां से अंग्रेजों को मार के भगा दिया गया था, और एक अंग्रेज अफसर की गर्दन जो है लटका के पूरे नगर में घुमाई गई थी। अच्छा, सबसे पहले वहां पे म्यूटिनी हुई थी, संथाल परगना में हुई थी बिहार में, और बुंदेलखंड में हुई थी, और उसके ये 1857 का जो मेरठ वाला कांड है, मंगल पांडे वाला, वो बाद का है, 15 साल बाद का, लेकिन वो पहले और इतिहास में उसी का जिक्र होता है। हाँ, उसका होता है, हमारे बुंदेलखंड का जो इतिहास है वो धूमिल है, बुंदेलखंड का इतिहास उसके साथ भी बहुत जाती हुई है, बहुत अन्याय हुआ है, यहाँ के जो योद्धा रहे हैं, वीर रहे हैं, सब चीजों की उपेक्षा हुई है, तो यहाँ पर वो इतिहास भी यहाँ का दबा कुचला है, उसको भी। चंद्रशेखर आज़ाद को लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ रहते थे झांसी के पास बुंदेलखंड में, अपने ओरछा क्षेत्र में, वो जब मरे हैं तो उसके पहले वो यहाँ रहते थे ओरछा क्षेत्र में, यहाँ पर प्रशिक्षण देते थे, और उनकी माताजी की समाधि झांसी में बनी है आज भी, क्योंकि उनकी माताजी चंद्रशेखर आज़ाद के मरने के बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत गरीबी में थी वो, तो दर दर की ठोकरें खा रही थी, तो झांसी क्षेत्र के लोग उनको लेके आए थे इलाहाबाद से। अच्छा। और वो लास्ट में झांसी में ही रही, और उन लोगों ने उनको रखा ढंग से, तो ये सारी चीज़ें हैं बुंदेलखंड की। तो चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ रहे, उन्होंने किया तात्या टोपे वगैरह सब यहाँ से रहे, रानी लक्ष्मीबाई को दुनिया में कौन नहीं जानता, तो ये चीज़ें हैं बुंदेलखंड की। अब बुंदेलखंड में जो उनका पुत्र था रानी लक्ष्मीबाई का, दामोदर राव, उसके बारे में लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ बाद में उसका, और रानी लक्ष्मीबाई को भी दुनिया न जानती। यदि वृंदावन लाल वर्मा उस पर किताब न लिखते तो उन्होंने उनको जो है सबसे पहले हाईलाइट किया, सब लोग उनको भी भूल गए थे, उन्होंने सब चीज़ें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताई तब, और सुभद्रा कुमारी चौहान ने, उन्होंने गीत लिखा खूब लड़ी मर्दानी, तब वो फेमस हुई हैं, नहीं तो वो भी इतिहास में दफन हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, वृंदावन लाल वर्मा चूँकि झांसी के ही थे इसलिए उन्होंने ये काम किया, तो हमारे आला उदल जो थे वो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया, सब किया, लेकिन उनका भी इतिहास में, हाँ उनके बारे में चाहूँगा थोड़ा प्रकाश डालें, जो लोग देखें बुंदेलखंड के बाहर के लोग देखें तो वो जान सके महोबा को और आला उदल को जान सके। हाँ, तो आला उदल देखिए महोबा के यहाँ, चूँकि आला खंड जो हमारा है वो पहले सबसे पहले पहले तो स्मृति के आधार पर लोग उसको बढ़ाते थे पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ, तो वो सुनते थे, याद करते थे, रटते थे। बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने सबसे पहले आला को लिखवाया। अच्छा, अंग्रेजों ने लिखवाया किया सबसे पहले, इलियट और गार्सियन कई अंग्रेज थे जो आए यहाँ पर, उन्होंने लोगों से कहा आप सुनाइए, और उन्होंने इंग्लिश में लिखा, सबसे पहले अंग्रेजी में आला लिखा गया, फिर उसके बाद हिंदी में घासीराम ने सबसे पहले लिखा एक आला, जो वो आला खंड आज भी लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम में रखा है। अच्छा, वो आ नहीं पा रहा है यहाँ,
क्योंकि अंग्रेज उसे अपने साथ ले गए थे, तो वो 52 लड़ाइयां थी उसमें जिस जो अलाउद्दीन अल ने लड़ी थी, तो वो 52 लड़ाइयां उन्होंने जीती थी। तो उन्होंने उसमें पृथ्वीराज चौहान को हराना भी शामिल था, लेकिन बाद में पृथ्वीराज चौहान बड़ी सेना लेकर आए, फिर यहाँ पर एक मारकाट हुई, उसमें बड़ा नुकसान हुआ। ये सिद्ध बाबा, ये देखिए यहाँ अद्भुत यार, क्या क्या प्रवेश द्वार है, ये देखिए नेचुरल प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार है, ये मुख्य द्वार है सिद्ध बाबा का, सिद्ध बाबा का। ये देखिए नेचुरल सब बना हुआ है, ये देखिए चट्टाने लगी हुई है, और इसके ये पैसेज बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, ये सब नेचुरल बना है, कमाल है, इसको मैन मेड नहीं है ये सब, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, तो बहुत अद्भुत है ये। तो आला उदल के बारे में यही है मैं, और आला खंड के बारे में, तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें मित्र राष्ट्र की सेनाओं में जोश भरने के लिए आला सुनवाया गया था उनको, ये भी जो है इतिहास में दर्ज है। लेकिन अब आज की स्थिति में क्या है, आज की स्थिति में आला को पूछने वाला कोई है नहीं, कोई नहीं है, आला गायक भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, सब खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि क्या करेंगे वो उसमें लग के, कुछ उनको मिलना भी तो चाहिए चाहिए। कोई बुंदेलखंड के किसी भी कलाकार को आज तक कोई राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला बड़ा, यहाँ मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि वो बुंदेलखंड के थे, उनकी पैरवी करने वाला कोई दिल्ली में नहीं था, इसलिए नहीं। बुंदेलखंड का कोई भी व्यक्ति सिर्फ उमा भारती को छोड़ के कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बना आज तक, आज़ादी के बाद। ये भी खास बात, जब वो कैबिनेट में नहीं बैठेगा तो बुंदेलखंड के लिए क्या लाएगा, संसद में उनकी आवाज खो जाती है, सांसदों की और इधर विधानसभा सभा में विधायकों की, ना बुंदेलखंड का कोई मुख्यमंत्री बना, ना दिल्ली में कोई कैबिनेट मंत्री बना, उमा भारती भर बनी। तो लेकिन उमा भारती ने बुंदेलखंड राज्य की घोषणा कर दी थी 2014 में कि मैं ये वादा कर रही हूँ, मोदी जी भी 30 अक्टूबर अभी जो बीती है 30 अक्टूबर 2014 को झांसी में एक सभा के दौरान मोदी जी ने भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो उमा जी मेरी बहन है और जो ये चाहती हैं हम सब करेंगे, लेकिन एक तरह से उन्होंने भी वादा किया था, लेकिन वो बुंदेलखंड के बारे में अब कुछ नहीं कह रहे हैं, सरकार बना ली है बातों को। हाँ, उमा भारती ने ये कहा था कि 3 साल के अंदर बुंदेलखंड बन जाएगा, आज से दिन गिनना चालू कर दीजिए, वो वीडियो उनका वायरल होता रहता है जब तक, तो लेकिन नहीं कुछ हुआ, क्योंकि बात वही आ जाती है, कमाओ पूत कोई खोना नहीं चाहता, रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, इसलिए सब शांत है। मोटी सी बात घूम फिर के आ जाती है उसी पे। अब जैसे हीरा खदान है हमारी, ये पन्ना को, पन्ना से बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि वहाँ हीरा निकलता है पन्ना में, लेकिन पन्ना मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में है, आज भी बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, वहाँ के लोग कुछ मजदूर बन गए हैं बस, बाकी क्या मिला किसी को, तो क्या मतलब हुआ इसका बताइए, क्या डेवलपमेंट आप करोगे। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली हैं सरकारों को। अब इसमें मोदी जी से हमारी यही शिकायत है कि भाई आपने वादा भी किया था, आप समझ रहे हो सारी हकीकत और आप भ्रष्टाचार दूर भी करना चाहते हो, तो कैसे होगा, आप दिल्ली से कैसे कर लोगे, हम यहाँ बैठे हैं हम क्या कर रहे हैं आप कहाँ से देख लोगे, कहाँ से देख लो, लिखा पढ़ी में जो हम लिख देंगे मानना पड़ेगा, जिसकी जिसकी जांच होनी है और जिसके खिलाफ होनी है दोनों भ्रष्ट हैं, वो आपस में मिलजुल के सेट कर लेते हैं, तो कोई भी जांच अगर होगी तो कैसे होगी, हकीकत कैसे पहुंचेगी, और उनसे मिलना संभव नहीं। तो पाटकर साहब कैसे, मतलब संघर्ष जो है कब तक, कितना लंबा चलने वाला है आपका ये संघर्ष, तो अब पता नहीं, सब सिद्ध बाबा की कृपा है, जो वो जब चाहेंगे तब कुछ होगा। हम तो अलाउद्दीन के वंशज हैं, उन्होंने हमको ये सिखाया है कि लड़ना सीखो, क्योंकि हम लोग लड़ना भूल गए हैं, इसलिए हमारे बुंदेलखंड का गौरव खो गया है। जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं तब तक हमारा खोया हुआ गौरव वापस नहीं आएगा। बुंदेलखंड के जो वीर जवान जी, जो युवा आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश है आपका? यही संदेश है कि अलाउद्दीन से प्रेरणा लीजिए कि उन्होंने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी इसलिए आज हम उनको मानते हैं, तो हमको भी लड़ना सीखना होगा, अपने हक के लिए लड़ना सीखना होगा। जब तक बुंदेलखंड के लोग बोलेंगे नहीं, जैसे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग संख्या में कम हैं, लोगों को लोग सोचते हैं अरे ठीक है, पता नहीं ऐसे बनना है कि नहीं बनना है, बनेगा नहीं बनेगा कौन, ऐसे तो लड़ते रहते हैं, कुछ लोग लड़ते लड़ते मर गए, शंकर लाल मल्होत्रा जैसे लोग मर गए, अब हम लोग भी हो सकता लड़ते लड़ते मर जाएं, पर हमें इस बात पर संतोष रहेगा कि हम कायरों की मौत नहीं मरे,
हम वीरों की मौत मरे, क्योंकि हम बीमार होके और हर्ट पेशेंट होके और एक्सीडेंट में नहीं मरना चाहते। हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते मरना चाहते हैं। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि इस दुनिया में आए हो तो कुछ ऊपर वाले की इस कायनात के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करके मरो, नहीं तो फिर क्या है, जानवर और हम में फ़र्क क्या है? हमसे तो बेहतर जानवर है कि वो भी जहाँ बैठता है तो सफाई कर देता है, हम तो वहीं गंदगी फैला के चले जाते हैं, आके चले जाते हैं। तो ये चीज़ सुधारने वाली है। ये सरोवर देख लीजिए, आपको दिखा दें जहाँ हम लोगों ने श्रमदान किया था, फिर बाद में हाँ श्रमदान की भी चर्चा करिए जो आपने बताया था हमें। तो असली बात यही है कि लोगों को संदेश यही है कि इस पर्यावरण के बारे में, इस मातृभूमि के बारे में सोचो। आज पर्यावरण कितना संकट में है, हम लोग पेट्रोल पेट्रोल चिल्ला रहे हैं, लेकिन हम लोग गाड़ी क्यों नहीं कम चलाना पसंद करते? हम हर जगह बिना गाड़ी के जाना नहीं चाहते। चाय पीने जाना है, सब्जी लेने जाना है और कुछ भी करने जाना है तो बिना गाड़ी के आदमी ढंग नहीं रखना चाहता। तो ये हमारी गलती है, हमको अपने आप में आत्ममंथन करना होगा कि अगर पेट्रोल महंगा है तो हम कम इस्तेमाल करें, ये नहीं हो सकता क्या? लेकिन ये लोग नहीं करना चाहते। ये देखिए सरोवर है, यही था। ये देखिए क्या अद्भुत छटा है। ये मुझे ये बताइए पानी क्या बरसात का भरता है, रिश्ता क्या है? बरसात का, बरसात का, यहाँ तक भर जाता है बरसात में। अच्छा, यहाँ तक भर। हाँ, अब चूंकि बारिश कम हो रही है, यहाँ प्रकृति असंतुलित है, पर्यावरण यहाँ का डिस्टर्ब है, बारिश कम होती है बुंदेलखंड में, तो इसलिए पानी का संकट बना रहता है। और ये सारा खनन की वजह से है, हमारे पहाड़ सब निशाने पे हैं, पहाड़ों की वजह से यहाँ बारिश होती थी, क्योंकि वो बादलों को रोकते थे, एक नेचर बैलेंस था। अब जंगल भी कट गए हैं, पहाड़ भी कट चले गए हैं, तो क्या होगा? तो इसलिए वो बादल घनघोर घटाएं आती तो हैं, लेकिन हम लोगों को तरसा के चली जाती हैं, बिन बरसे निकल जाती हैं। ये कितने दिनों की मेहनत है जैसे आपने बताया, श्रमदान का जिक्र आया इसमें। ये देखिए वहाँ दिख रहा है आपको कटा हुआ, ये हम लोगों ने 2018 में जून में और मई से स्टार्ट किया था। इसमें श्रमदान 62 दिन हुआ और इसमें महोबा के बहुत लोग आए, यहाँ तक कि DM साहब भी आए, उन्होंने भी फावड़ा चलाया। अच्छा। नगर पालिका अध्यक्षा भी आई, बाकी स्कूलों के बच्चे और हर वर्ग के लोग आए, डॉक्टरों के संगठन आए, डॉक्टर्स के, टीचर्स के, वकीलों के, सब लोग आए। एक उस समय जन सैलाब से जुड़ा था, वाकई एक बड़ा अच्छा लगता था कि तब लोगों ने पहाड़ को देखा। अभी 50% लोग तो महोबा में ऐसे हैं जिन्होंने गोरखगिरी ऊपर से देखा नहीं है। ये बाद में पेंट किया गया है? हाँ, ये अभी किया गया है, गुरु पूर्णिमा के पहले। अच्छा। हमारे कुछ साथियों ने इसको रंग के शिव जी का स्वरूप दिया, क्योंकि ये स्थान शिव जी का स्थान ही माना जाता है। हमारे सिद्ध बाबा हैं, वो शिव जी के ही अवतार हैं। उधर देखिए सामने, तो वो कछुआ जैसा आपको लग रहा होगा। हाँ, यहाँ भी कछुआ दिख रहा है। और बाकी इधर जो चट्टानों का विन्यास देखिएगा, एक के ऊपर एक सजी हैं, बहुत खूबसूरती से रखी गई हैं। तो वो यहाँ की बहुत बड़ी खासियत है। तो ये गोरखगिरी, गुरु गोरखनाथ यहाँ रहते थे 11वीं-12वीं शताब्दी में, इसलिए इसका नाम गोरखगिरी पड़ा उनकी वजह से। बाद में बुंदेली भाषा में इसका भ्रंश हो गया, धीरे धीरे इसको गोखागिरी भी कहने लगे और गोखार पहाड़ कहने लगे लोकल भाषा में। तो लेकिन ये गोरखगिरी गुरु गोरखनाथ की वजह से है, तो वो स्थान है, वो वहाँ रहते थे। बिल्कुल, मैं चाहूँगा व्यूअर्स एक बार देखें जो पाटकर साहब ने भी कही, कितने खूबसूरत तरीके से, जैसे किसी ने उठा के उन पहाड़ों को करीने से सजा दिया हो। ये कोलन तस्तरी है, वो सामने से देखेगी, बाकी उधर दिखाते हैं आपको। चलिए, छोटी चट्टान पे बड़ी चट्टान रखी है। अच्छा। हाँ, ये सब सजा हुआ है, एक वो लगता है जैसे किसी ने सजाया, और वाकई सजाया है। हमारे एक ऋषि बेताल थे। अच्छा। एक यक्ष थे, उनके बारे में इतिहास में लिखा है। अच्छा। कि वो महाबलशाली थे, उनकी भी एक चट्टान पे मूर्ति बनी हुई है, उस साइड में है वो। तो वो क्या थे कि बड़ी बड़ी चट्टाने अकेले उठा के रख देते थे। अच्छा। तो उन्होंने सजाया है, ये चीज मानी जाती है। मुझे बुंदेलखंड का जिक्र आई है ऋषियों का, तो जो ऋषि है जिनका बहुत नाम है और वेदों में शास्त्रों में जिक्र है, वो ऋषि भी हमारे बुंदेलखंड से बिलोंग करते थे। देखिए, ऋषियों के बारे में बहुत है। देखिए, आप ये महोबा में गुरु गोरखनाथ रहे, बाकी आपको हम बता दें श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने यज्ञ किया था, राजा दशरथ ने करवाया था उनसे यज्ञ अपनी संतानों के लिए, उनकी संतान नहीं हो रही थी, भगवान राम जब पैदा हुए तो यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने किया था। वो श्रृंगी ऋषि भी महोबा जनपद में ही रहते थे। अच्छा। खरेला गाँव पड़ता है, जहाँ बादशाह सिंह का इलाका है।
तो वो खड़े ये देखिए चट्टान इस पे छोटी पे बड़ी रखी है। ये देखिएगा अद्भुत नजारा, ये उड़न तस्तरी सामने देखिए सर, वो देखिए उड़न तस्तरी उसको कहते हैं हम लोग, वो बिल्कुल वैसे ही ये देख दिखाइएगा, ये उड़न तस्तरी है। उड़न खटोला की, हाँ उड़न तस्तरी जो वो अंतरिक्ष से आती थी बस वही है, उसी की जैसी लगती है। और ये चट्टाने इधर अगर आप चल के देखेंगे तो सब सजी हुई हैं, एक के ऊपर एक ये सब सजी हुई हैं, ऐसे लगता है ऐसी किसी ने रखी गई हैं। तो ये सिद्ध बाबा इसी के अंदर है, ये देखिए सीता रसोई लिखा है बगल में, सीता रसोई है ये बगल में, सीता रसोई है। सीता जी यहाँ अब रामचंद्र जी आते थे क्योंकि वो चित्रकूट में रहे, तो चित्रकूट भर में थोड़ी रहते थे, जब एक जगह 12 साल रहना है तो घूमते रहते थे भाई, वो बस्ती में नहीं जाएंगे, वन में रहना है उनको, तो वो ये वन क्षेत्र था। तो ये कुल्ला का पेड़ कहलाता है, ये भी औषधि पौधा है बहुत। कौन सा पेड़ बताया? कुल्ला इसका नाम है। इसकी गोंद जो है बड़ी मेडिसिनल होती है, अच्छा दवाओं में इस्तेमाल होती है। तो ये सबसे बड़ा पेड़ पहाड़ का यही है, और भी पेड़ है। ये सीता रसोई कहलाती है, ओ ये है, इसको कहते हैं ये सीता रसोई, सब जगह राम राम लिखा है। बाकी चट्टानों का विन्यास देखना हो तो और दिखा दें, और चलते हैं। और ऋषियों का जिक्र भी जो है, ऋषियों की गाथा भी सुनते जाते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास, क्योंकि उन्होंने रामायण जो लिखी है रामचरित मानस, तो वो भी अपने बांदा के ही थे, वो तो पता ही बुंदेलखंड की धारा के थी। बाकी महर्षि वेद व्यास बुंदेलखंड में रहते रहे, कालपी क्षेत्र में धसान नदी के किनारे उनका बना था, उन्होंने बहुत समय, ये देखिए चट्टानों का विन्यास कमाल है, कमाल देखिए कैसे सब ये रखी है के ऊपर एक, ये देखिए चट्टानों को किस तरीके से कायदे से अलाइन है, सजाई गई हैं, सजाई वो मतलब अगर नेचुरली जो कहते ना क्षरण होता है, प्राकृतिक क्षरण से ऐसे नहीं बन सकती। इसमें देखिए पेड़ भी एक जो निकले हुए हैं, ये कटवर का पेड़ कहलाता है। अच्छा, इस पेड़ की खासियत ये चट्टान फाड़ के निकलता है, पेड़ लगाने की, हाँ जितनी पेड़ लगाने की नियम बनाए गए हैं सारे तोड़ता हुआ है ये हुआ। इसको ना पानी चाहिए ना कुछ चाहिए, ऐसी लगा है ये तमाम जगह, ये देखिए लगा है इधर, ये कटवर कहलाता है, मतलब ये सब प्रकृति की देन है, बस ये अद्भुत चीज़ है, कटवर का पेड़ लगा हुआ है इधर। तो ये जो चीज़ बता रहा मैं, तो महर्षि वेद व्यास रहे बुंदेलखंड में धसान नदी के किनारे, और पांडव जो वनवास उनको अज्ञातवास 1 साल का हुआ था, वो उन्होंने वहाँ पांडव फॉल एक बना है छतरपुर जिले में, टाइगर रिजर्व, हाँ उसी में है वो, वहाँ रहे हैं अज्ञातवास में। ये हमारा जो पनवाड़ी क्षेत्र पनवाड़ी है, ये पांडवपुरी इसका नाम था, बिगड़ के पनवाड़ी हो गया, पांडव इस क्षेत्र में रहे। और आपका जो राठ है वो विराट नगरी कहलाता था, विराट नगरी थी वो। तो ये सारा क्षेत्र महाभारत काल और रामायण काल दोनों से जुड़ा हुआ है, तो बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही पौराणिक और धार्मिक महत्व का स्थान है पूरा क्षेत्र। बस इसको थोड़ा संवारने की ज़रूरत है, और इस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो ये मेन ऋषि हमने जो आपको बताए, और गुरु गोरखनाथ, आज तो हमारे मुख्यमंत्री भी उन्हीं के शिष्य हैं, हमारे आला जो थे लास्ट में उन्होंने भी नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लिया था, उनके शिष्य हो गए थे गुरु गोरखनाथ के, और उन्हीं के साथ चले गए थे, क्योंकि आला को अमर माना गया है, आला की मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं है। उस युद्ध में जिसमें पृथ्वीराज चौहान बड़ी सेना लेकर आए थे, और उदल लाखन मलखान वगैरह वगैरह सारे जो सेना मारी गई, तो उसमें उसके बाद आल्हा जब आए, आल्हा चूँकि हमारे राजा परमाल को छोड़ने कालिंजर चले गए थे सुरक्षित, वहाँ उन्होंने कहा था कि चलो हम आपको वहाँ छोड़ाएँ, तब तक ये लोग लड़ रहे हैं। जब वो लौट कर आए तब तक सब खत्म हो चुका था। फिर आल्हा ने अपनी एक शारदा मैया ने जो मैहर की एक तलवार दी थी वो निकाली, फिर युद्ध किया, और वहाँ पर सिर्फ वो बचे, क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान और उनके कुछ सैनिक। तो गुरु गोरखनाथ आ गए, गुरु गोरखनाथ ने उस समय कहा कि बंद करो, तुम लोग एक दूसरे को नष्ट कर रहे हो, ये लड़ाई बंद करो, हिंसा बहुत हो चुकी है, अब लड़ाई नहीं होगी और इन छोड़ दो। तब आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को प्राणदान दिया था, फिर वो उन्होंने उसी समय संन्यास ले लिया और वो गुरु गोरखनाथ के साथ चले गए। तो ये जो प्रमुख ऋषि हैं यहाँ के जिनको दुनिया जानती है, बाकी तो और बहुत लोग रहे हैं यहाँ पर। आदि शंकराचार्य जो पहले शंकराचार्य थे वो महोबा में आके कुछ समय तप किए हैं, पीछे हमारे बड़ी चंड का मंदिर है, उसके पीछे कंठेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ वो रहते रहे हैं। राहुल शंकरत्यायन तो वो पूरे देश में घूमते थे तो वो भी रहे, लेकिन आदि शंकराचार्य भी यहाँ रहे। तो ये देवभूमि है, पूरी बुंदेलखंड देवभूमि है, बस इसको देखने की आवश्यकता ये है कि अब पहचाना नहीं जा रहा है, इसकी उपेक्षा की जा रही है। तो ये सब काम अब
दैवी शक्तियों की वजह से उन्होंने हमसे कुछ काम करवा रही है वो, ये हमारा सौभाग्य है, बस हमें उनका उनका काम करना है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, बाकी तो और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो पाटकर साहब आप, हाँ पहले हम विजिट करते हैं, ये बिल्कुल कर लीजिए। हाँ तो ये हाँ गोरखनाथ जी का ही मंदिर है। नहीं ये सिद्ध बाबा है, सिद्ध बाबा है, गुरु गोरखनाथ की फोटो रखी है। हाँ ये चट्टान पर है। तो बिल्कुल हम भी ये चाहते हैं कि आप ये अनवरत लड़ाई जो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आप यूँ ही लगे रहिए, और जो बुंदेलखंड के लोग हैं वो भी आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं जी, और इस जन आंदोलन में आपके साथ भागीदारी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि बुंदेलखंड जो राज्य है वो एक ना एक दिन अलग होगा। तो हमसे बात करने के लिए, बुंदेलखंड के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जनता को हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, पाटकर साहब की सोच, इनके विचारों से आप सहमत हैं तो कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और पाटकर साहब के साथ अगर वास्तव में आपको लगता है कि इनकी बातों में दम है तो कमेंट करके बताइएगा, जुड़िए, इनका साथ दीजिएगा। आप देख रहे थे जनता का राज, मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद।